तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लीग वर्सेस एसवी कैंपो क्रिकेट फैन कोर्ट ईस्ट किटन कैपले मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ साथ हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में। और दोस्तों, जो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए मास्टर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, अगर आपको T10 के मैचों में पैसा जीतना है तो आपको अपनी टीम में ऑलराउंडर और बॉलरों को ज़्यादा लेकर चलना है, क्योंकि बात आपको समझ के देखिएगा कि 60 तो गेंदे होती है, हर प्लेयर को मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो बॉलर होंगे उन्हें कंप्लीट 2 ओवर कन्फर्म दिए ही दिए जाएंगे। अगर कोई बॉलर 3 से 4 विकेट निकाल लेता है तो, और वो हमारा कैप्टन होता है, तो हमें जितने से कौन रोकने वाला है, बाकी दोस्तों आपके ऊपर होता है। मैं आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपने खुद टीम बना सकते हैं बिना भी किसी टेंशन के। तो अब बात की जाए कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा लीग के बारे में। तो दोस्तों, लीग ने 2 मैच प्ले किए हैं और दोनों के दोनों मैच में लॉस का सामना किया है। अभी तक दोस्तों इन्होंने 1 मैच भी नहीं जीता है। और मैं वही बात करूँ एसवी कैंपो क्रिकेट के बारे में, यानी कि KAM के बारे में, तो इन्होंने दोस्तों 4 मैच प्ले कर लिए हैं, जहाँ पर 2 में विन और 2 में लॉस का सामना किया है। तो दोस्तों, हमें पता चल रहा है कि जो KAM है वो काफ़ी अच्छी खासी टीम है लीग से, लेकिन दोस्तों इन्होंने 2 मैच हारे हैं, उन्होंने भी 2 मैच हारे हैं, और क्या पता ये अगले 2 मैच भी हार जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एसवी कैंपो क्रिकेट यानी कि KAM कल की मैच को जीतने वाली है। तो दोस्तों, वेन्यू के बारे में बात कर लूँ तो वेन्यू तो रहेगा दोस्तों स्पोर्ट पार्क बैमबर्ग कैपले, जो कैपले शहर में ही आता है। अब बात करें कि कितना स्कोर बन सकता है, तो स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा 80 से 100 के आसपास का। और दोस्तों, आपको बता दूँ एक एवरेज स्कोर होता है, ये कन्फर्म स्कोर नहीं होता दोस्तों, एक एवरेज स्कोर होता है कि क्या पता स्कोर दोस्तों 35 पे ऑल आउट हो जाए या 145 भी बन जाए। तो ये कोई कंफर्म नहीं होता है T10 के मैचों में, और ये क्रिकेट है दोस्तों, हम सभी को पता है। तो दोस्तों, अब बात करें ड्रीम टीम के बारे में, लेकिन ड्रीम टीम देने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन कर लिया मैंने, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी टीम में किस विकेटकीपर, किस बैट्समैन, किस ऑलराउंडर और किस बॉलर को चूज़ करना है। इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि इस मैच में काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न करें, क्योंकि मैं आपको ग्रैंड लीग की 6 टीम में फॉरवर्ड करवाने वाला हूँ टेलीग्राम पर। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे विकेटकीपर सेक्शन से। तो विकेटकीपर सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन होने वाले हैं, अल्फोंसे और अली, दोनों अलग अलग टीम से हैं। लेकिन दोस्तों, अल्फोंसे जो इनका पिछले मैच का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा खासा था, 1 मैच में टीम से ड्रॉप भी थे दोस्तों, लेकिन जो पिछले मैच का जो परफॉर्मेंस था यानी कि 2nd मैच का, वो काफ़ी अपर के क्लास का था, क्योंकि हमें एक विकेट कीपर चूज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास अल्फोंसे का काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है अली से, क्योंकि अली ने दोस्तों अभी तक 1 मैच में एक का भी स्कोर नहीं बनाया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, केवल 0 का स्कोर है इनका। तो हम हाईलाइट करते हैं एक बार, आप देख लीजिएगा, देखिए 0 का स्कोर है दोनों ही मैचों में। इसलिए मैं चाहूँगा कि विकेट कीपर सेक्शन में आप अल्फोंसे को ही ट्राई कीजिए एज अ विकेट कीपर। और देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन, दोस्तों इस मैच में आपके लिए कुछ बॉलर सेक्शन में कोई भी अच्छा खासा प्लेयर नहीं होने वाला है, लेकिन जो ऑलराउंडर सेक्शन है दोस्तों, वो काफ़ी खतरनाक प्लेयरों से भरा हुआ है आज के मैच के बारे में। तो दोस्तों, बात करें बैट्समैन के बारे में, तो बैट्समैन दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 बैट्समैन को ट्राई किया है, 2 मैंने KAM और 1 मैंने दोस्तों ली यानी कि LIE से उठाया है। तो खा दिया गया दोस्तों, ओपन करते हैं। जो इनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है, लगातार 4 के 4 मैचों में जो इनका दोस्तों परफॉर्मेंस है, पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 1 विकेट निकाल ली थी। और मैं आपको बता देता हूँ कि T10 के मैचों में गली क्रिकेट कह सकते हो, जो प्लेयर पहले बैटिंग करेगा वही प्लेयर पहले बॉलिंग करेगा, यही दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट है। बाकी दोस्तों स्टैट के ऊपर होता है, स्टैट निकालूंगा और स्टैट के आधार पर ही आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पर। तो टीम के बारे में आपको 1% भी, लिटरली 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों चतुर्वेदी के बारे में बात करूँ तो चतुर्वेदी का परफॉर्मेंस पिछले मैच में काफ़ी बड़ा और खतरनाक परफॉर्मेंस रहा था, जहाँ पर उन्होंने 42 का स्कोर बना दिया था। और T10 के मैचों में 42 का स्कोर आप सोच खोज के देखिएगा, आगे आपको 89 का स्कोर भी देखने को मिलने वाला है। बाकी 42 का स्कोर बहुत बड़ा होता है T10 के मैचों में, आप ये बात खुद सोच के देखिए, 60 तो गेंदे होती है, किस किस को मौका देते, 11 प्लेयर होते हैं, किस किस को मौका देने, और वही प्लेयर 42 का स्कोर बना रहा है। तो चतुर्वेदी दोस्तों आप अपनी टीम में काफ़ी अच्छे खासी पोजीशन पर ट्राई कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में अगर KAM की पहले बैटिंग आती है तो 1 डाउन को कन्फर्म बुलाया जाएगा। तो अब बात की जाए नेक्स्ट प्लेयर, दोस्तों मैंने मुनीब को उठाया, मुनीब का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सभी प्लेयर एक टीम से नहीं उठा सकते हैं। इन्होंने पिछले मैच में 11 का स्कोर बना दिया था और 10+ का स्कोर मैं इस T10 के मैचों में काफ़ी अच्छा खासा मानता हूँ। तो दोस्तों अब बात करें बम्पर ओवर इस मैच के सबसे खतरनाक क्रिकेट के ऑलराउंडरों के बारे में। तो मैंने आपको अलग बाहर वीडियो बताया कि अगर आपको
क्रिकेट में अच्छा खासा पैसा अर्न करना है, वो T10 का मैच हो, वो T20 का मैच हो, वो ODI का मैच हो, या फिर दोस्तों टेस्ट मैच हो, आपको अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर सेक्शन प्लेयरों को उठाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑलराउंडर होंगे हमारे जीतने के चांस उतने ज़्यादा होने वाले हैं। मान लीजिए अगर ऑलराउंडर की बॉलिंग नहीं चलती है तो वो बैटिंग से 25-30 रन बना देगा, उसकी बैटिंग फ्लॉप होती है तो बॉलिंग से 1-2 रन रह लेगा। तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट बैकअप होता है किसी भी मैच के अंदर ऑलराउंडर्स, और मुझे लगता है कि कोई प्लेयर आपको ये बताता होगा। तो सबसे बात करूंगा बट के बारे में। दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस था फर्स्ट मैच में काफ़ी अच्छा खासा था इनके टीम को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी ख़राब टीम है, दो मैच अभी तक प्ले किए हैं और दोनों के दो मैचों में लॉस का सामना किया है। देखिए दोस्तों 55 का स्कोर, और बहुत बड़ा होता है 55 का स्कोर T10 के मैचों में, ये कोई T20 नहीं है, कोई ODI मैच नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इनको अपनी टीम में कन्फर्म लेके चल सकते, वो भी बिना किसी टेंशन के। दोस्तों बात करूँ सलीम के बारे में, तो जो सलीम का परफॉर्मेंस था वो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा है लगातार दोनों मैचों में, जहाँ पर इन्होंने पिछले मैच के अंदर 31 का स्कोर बना दिया था और उससे पिछले मैच के अंदर इन्होंने 15 रन का स्कोर बना दिया था। तो काफ़ी कम टाइम में इतना बड़ा स्कोर दोस्तों बहुत अच्छी बात होती है, 15 और 31 आपके लिए बहुत बड़े स्कोर है दोस्तों सलीम के लिए, और उससे पिछले दोनों मैचों में इनको प्ले का मौका ही नहीं दिया गया है, इसलिए हम किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आपको DT इनकी ड्रीम टीम में देखने को कन्फर्म मिलने वाले हैं, तो आप इनको अपनी टीम में एज अ प्लेयर लेके चल सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँगा इस मैच के विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली भी क्या कहूँ दोस्तों, आप मैं इनको कुछ भी कहो कुछ भी कह सकते हो दोस्तों, उस्मान मलिक को, इनका जो परफॉर्मेंस है 4 के 4 मैचों को हम चेक करेंगे और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी के मैं सभी को खोल तो सकता हूँ दोस्तों, परफॉर्मेंस दिखा भी सकता हूँ, लेकिन उनका परफॉर्मेंस खोलने को बैठूंगा तो ये वीडियो 40 मिनट प्लस की हो जाएगी, जिससे आप बोर हो सकते हैं। लेकिन उस्मान मलिक का दोस्तों मुझे प्लीज से खोलने दीजिए। तो हम इनका चेक करेंगे फर्स्ट मैच का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जहाँ पर इन्होंने 26 रन का स्कोर बना दिया। T10 के मैचों में 26 का स्कोर आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं लगने वाला है, लेकिन दोस्तों मुझे पता है बहुत बड़ा स्कोर है, वो 2 विकेट निकाल लिए। देखिए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में, इनका फर्स्ट मैच, इनके सेकंड मैच को चेक करेंगे हम, तो जहाँ पर इन्होंने 64 पॉइंट कलेक्ट किए, जहाँ पर इन्होंने 33 का स्कोर बना दिया। एक बात मैंने आपको बताई, यहाँ पर इनको विकेट नहीं मिली लेकिन दो स्कोर तो बना ही दिया। यही प्रॉफिट होता है किसी भी ऑलराउंडर को अपनी टीम में रखने के लिए। इनके थर्ड मैच के बारे में बात करें, जहाँ पर 137 पॉइंट कलेक्ट किए, देखिए इन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकालिए और 33 रन का स्कोर फिर से बना दिया। वो 33 का स्कोर दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा था। ODI के मैचों में भी एक ऑप्शन होता है 30+ कितने बार स्कोर बनाया है, और ये तो T10 का मैच है। और अब बात करें नेक्स्ट मैच, यानी कि सबसे बड़ा स्कोर दोस्तों 89 का स्कोर मैंने आपको पीछे बताया था, तो 89 का स्कोर दोस्तों वो भी T10 के मैचों में कितना हार्ड है आप सोचिए, देखिए और एक विकेट भी निकाला है। और एक बात देखिए 179 वो भी T10 के मैच के अंदर, आपको ODI के मैचों में 179 पॉइंट देखने को नहीं मिलते होंगे, ये बात आप चेकआउट कर सकते हैं वो भी बिना किसी टेंशन के, क्योंकि दोस्तों वीडियो यहीं पर रहने वाला है, आप चेक कर लीजिएगा। और उस्मान मलिक को दोस्तों अगर मैं 6 टीमें बनाऊंगा ग्रैंड लीग की, तो कम से कम भी 3 टीमों में इनको कैप्टन रखने वाला हूं, और 11 टीमें बनाऊंगा तो 5 से 6 टीमों में इनको कन्फर्म अपनी टीम में कैप्टन रखने वाला हूं। बाकी दोस्तों आपकी रिस्पांस के ऊपर होता है, अगर आपका रिस्पांस इस पर काफ़ी अच्छा खासा रहता है तो मैं आपको 11 टीमें क्रिएट कर दे दूंगा, और आपका रिस्पांस ठीक ठाक रहता है तो मैं आपको 6 टीमें दे दूंगा, और बहुत बुरा रिस्पांस रहता है तो दोस्तों मैं आपको 1 टीम उस्मान मलिक की प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी टेलीग्राम पर। तो टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब बात करें नेक्स्ट प्लेयर रहमान के बारे में, तो रहमान का जो परफॉर्मेंस है इनकी टीम को देखते हुए पिछले मैच के अंदर काफ़ी बड़ा खतरनाक था दोस्तों, जब इन्होंने 38 का स्कोर बना दिया और 1 विकेट निकाल दिया। अब दोस्तों इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम इनको वाइस कैप्टन अपनी टीम में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। बाकी स्टैट के ऊपर होता है, मैं उनको एनालिसिस करूँगा, एनालिसिस के आधार पर ही आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पर। दोस्तों मैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस टीम में 4 ऑलराउंडर को अपनी टीम में चूज किया है, क्योंकि ऑलराउंडर के लिए दोस्तों और प्लेयर को उठाना चाहता हूँ, जैसे कि नाज दोस्तों, जो इनका परफॉर्मेंस है इनको टीम देखते काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन इनको हम अपनी टीम में चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मेरी दोस्तों मजबूरी है, मैं 4 ही प्लेयरों को अपनी टीम के लिए उठा सकता हूँ। दोस्तों आपके लिए शाकुन अली भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बॉलिंग सेक्शन को देखते हुए, क्योंकि उनका पिछला मैच का परफॉर्मेंस था वहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाल लिए थे, और मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी ऑलराउंडर का बॉलिंग नहीं चलता है तो बैटिंग चल जाता है। तो ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों आपके लिए बहुत बड़े बड़े और अच्छे खासे ऑप्शन है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं ऑलराउंडर सेक्शन से अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर उठाने की कोशिश करूँ। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आपके लिए कचरा
भरा हुआ है, तो बोलिंग सेक्शन दोस्तों हम एनालिसिस नहीं करते, बाकी कर लेते हैं दो दो मिनट के लिए। दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊँ एंड्रयू फाइल के बारे में। तो एंड्रयू फाइल का जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच को काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन उससे पिछले मैचों में इनका परफॉर्मेंस दोस्तों टट्टी था, बिल्कुल ही टट्टी। आप चेकआउट कर सकते हैं, पिछले मैच को एक विकेट नहीं मिला क्योंकि ओवर नहीं दिए गए, उससे पिछले मैचों में इनको प्ले का मौका ही नहीं दिया गया है। तो एंड्रयू फाइल आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बाकी अब बात करें कालिम के बारे में, तो दोस्तों कालिम दोनों ही मैचों में एक एक विकेट मिला है, दोनों ही मैचों में इनको दो मैच अभी तक प्ले का, इनकी टीम ने ही दो मैच प्ले किया और दोनों मैचों में एक एक विकेट मिल चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक विकेट और फर्स्ट मैच में भी एक विकेट मिला था इनको, मैं आपको चेकआउट कर देता हूँ एक विकेट। तो दोनों मैचों में एक एक विकेट मिला है दोस्तों। देखते हुए एंड्रयू फाइल और कालिम आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन है बॉलिंग सेक्शन को देखते हुए। अगर आप कल की मैच में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज से अपनी टीम में चार ऑलराउंडर रखिएगा और तीन ही बॉलर लीजिएगा, और हो सके तो दो बॉलर उठा लीजिएगा, लेकिन दोस्तों पॉलिसी है ड्रीमलैंड की तीन बॉलर आपको उठाने पड़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ऑलराउंडर सेक्शन से ज़्यादा प्लेयर उठाएं, और दोस्तों आपको अच्छी खासी विनिंग करनी है तो आप विजन 11 पर प्ले कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी कम कॉम्पिटिशन है। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको विजन 11 का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मैं बात करूँगा राजा के बारे में, तो दोस्तों इनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। पिछले मैच में उन्होंने एक विकेट निकाला था और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मैच यानी कि कल के मैच में आज के मैच में इनको एक विकेट कंफर्म मिल जाएगा, जिससे आपको डीटी यानी कि ड्रीम टीम में देखने को मिल सकते हैं। हम टीम का प्रयोग कर लेते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस टीम में एक विकेट कीपर, तीन बैट्समैन, चार ऑलराउंडर, तीन बॉलरों को उठाया है। तो बात सबसे मेन मुद्दे कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में, तो दोस्तों मैंने अपनी टीम में कैप्टन मलिक को ट्राई किया, उस्मान मलिक को, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि इनसे बड़ा ऑप्शन हमारे लिए कुछ हो भी सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जब लाइनअप आउट होगा तो आपको 83.686 की जगह आपको 90 प्लस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनको कैप्टन से वो काफ़ी खतरनाक है। तो बिना किसी टेंशन के आप ग्रैंडलिंग में अपनी टीम में दो से तीन टीमों, चार टीमों भी कैप्टन लेके चल सकते हैं, क्योंकि सभी लेके चलने वाले हैं। अगर दोस्तों कोई इनका परफॉर्मेंस डाउन भी रहता है तो सभी का डाउन रहेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप उस्मान मलिक को अपनी टीम में बिना किसी टेंशन के कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को बताएं, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम ने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिल सकती है। ये बात आपको समझ सकते हैं कि हम लास्ट में आपको यूट्यूब पर टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।